नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कभी कभार ऐसा दिन आता है कि हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो झटपट से बन भी जाए, स्वाद भी हो और उसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल थोड़े हों। तो आज इसी चीज का हल निकालने के लिए हम प्रयास में बनाने जा रहे हैं प्याज और टमाटर की भाजी। ये रेसिपी क्विक भी है और आसान भी है। तो दोस्तों इस इजी और क्विक रेसिपी को बनाने के लिए हमने गर्म कर लिया है 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं। और अब उसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा। और जैसे ही जीरा चटकने लगे उसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज प्याज और इनको ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। ब्राउन नहीं करना है, बस इनका कच्चापन खत्म करना है। तो अनियन की रॉनेस खत्म होते ही हम इसमें मिलाएंगे नमक आपके स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून हल्दी और इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे। और इसको 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का दरदरा किया पेस्ट। इसको फिर से 1 मिनट के लिए चला लेंगे। और अभी हम इसमें मिलाएंगे 4 roughly chop टोमेटोज और इनको लगभग 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से प्याज में मिल नहीं जाते। इस रेसिपी को और जल्दी पूरा करने के लिए हम इसे कवर करके पका लेंगे। तो जब तक आपके टमाटर पक रहे हैं तो बीच बीच में 1-2 बार इनको थोड़ा मैश कर लें। तो अभी हमारी भाजी एकदम से बनके तैयार है। तो इस स्टेज पे इसको थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर लाने के लिए इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून विनेगर और 1/2 टीस्पून सोया सॉस और इसको मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लीजिए दोस्तों हमारी टमाटर प्याज की भाजी बनके तैयार है। तो लीजिए हमारी इजी और क्विक रेसिपी बनके तैयार है। इसका आनंद लीजिए और खुश रहिए।